हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैदा की खस्ता पपड़ी। बहुत ही स्वादिष्ट नमकीन है। लंबे समय के लिए इसको एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और चाय कॉफ़ी के साथ रोज़ या जब आपको पसंद हो एंजॉय करिए। तो हम बनाना शुरू करते हैं मैदा की पपड़ी। मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है। इसमें मैंने 1.5 छोटी चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। आधी छोटी चम्मच कलौंजी, आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तो 200 ग्राम में 50 ग्राम तेल डलेगा, मतलब एक कप अगर आप मैदा लेंगे तो 1/4 तेल डलेगा उसमें। और आप इसको ज़्यादा मैश नहीं करना है, पूरे आटे को सिर्फ हल्के से उसको मिलाना है तेल को। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको अंदाज़ नहीं है तेल का तो कैसे पता चलेगा। आप इसके लड्डू जैसे बनाकर देखेंगे ना तो तुरंत बन जाएंगे और तुरंत टूट जाएंगे, तो समझ लो तेल की क्वांटिटी बराबर है। तो थोड़ा सा तेल और डाला है। 200 ग्राम में 50 ग्राम सही माप रहता है। ये देखिए, इसके लड्डू जैसे बन गए और तुरंत टूट भी गया वो, मतलब अभी तेल बराबर डल गया है इसमें। तो अब हम इसे पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सख्त डो तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालिए, अगर ये गीला हो गया तो बाद में फिर ठीक नहीं होता है। तो देखिए मैंने कितना टाइट डो लगाया है। अब ज़रा सा इसमें तेल डालूँगी और बहुत मसलना नहीं है इसको, फटाफटा रहने दो। तो इसको एक दो बार बस ऐसे चलाना है और ये आटा हमारा तैयार हो गया है। तो इसके मैं ऐसे रोल बना लूँगी और फिर इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लूँगी। आप इसे चाकू से काट लीजिए, बराबर आ जाती है। तो इस तरह से सब कट कर लीजिए और इसको ज़्यादा गोल घुमाकर राउंड नहीं करना है, बस हल्का सा प्रेस करना है। अगर इधर उधर से थोड़े क्रैक्स आते हैं तो भी वो क्रिस्पी बनती है बहुत। तो इस तरह से हम लोई सब बना के रख लेंगे और फिर उसको हल्का सा चपटा करेंगे और बेलन से मोटी सी पूड़ी जैसी बनानी है। उसका शेप मैटर नहीं करता, और अगर आपको शेप बिल्कुल गोल ही चाहिए तो फिर आप उस हिसाब से बनाइए। तो इस तरह से हम सब बना लेंगे। अगर आपको सिर्फ कुरकुरी चाहिए, खस्ता नहीं, तो तेल की मात्रा थोड़ी कम डाल देंगे तो फिर एकदम कुरकुरी, मतलब एकदम कड़क बनेगी पर खस्ता नहीं बनेगी। तो इसलिए जो मैंने माप बताया आप उसी से तेल डालिए। अब चाकू की हेल्प से हम इसमें होल कर देंगे जगह जगह पे, ताकि ये फूले नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी प्रोसीजर है। तो ये देखिए, इस तरह से हमको सब बना लेना है। अब गैस ऑन करके तेल रख दिया है। अब गरम हो गया है तेल, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है तेल को, स्लो पर ही डालना है इसको। तो एक एक करके हम जितनी आती हैं उतनी डाल देंगे और गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे और तुरंत ना पलटे। वो पता चलता है हमें कब पलटना है, बबल्स आने कम हो जाते हैं और लाइट एकदम कलर चेंज हो तभी हमें निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा एकदम लाल लाल भी नहीं करना है। अगर आप इसे स्लो में नहीं सेकेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होगी, अगर हाई पे सेकेंगे तो ये जल भी जाएगी और पूड़ी के समान बन जाएगी ये। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप बनाएं तो इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये सीख गई हैं
ये रेडी हो गई है, देखिए कितनी कुरकुरी एकदम से बनी है, तो खाने में बहुत टेस्टी रहती है, चाय कॉफ़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है ये। तो इस तरह से हम दूसरा भी बैच डाल के सेक लेंगे। गैस का फ्लेम अभी भी स्लो ही है, मैंने हाई किया ही नहीं है क्योंकि हमें करना ही नहीं है। तो इसको भी हम पलट के सेक लेंगे जैसे हमने पहले सेका था। तो ये सिक गई हैं अभी, तो इनको भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारी पपड़ी तैयार हो गई है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।